दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में एक हादसा हुआ जिसमें सब इंस्पेक्टर की जान चली गई इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल्ली वालों का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से जाहिर कर रही है पूरी खबर आपको बताऊंगी इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज एट इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए ये हादसा बताया जा रहा है कि सत्ताईस तारीख को रात के करीब साढ़े बजे के आसपास हुआ जब दिल्ली पुलिस में

दरअसल जैसे आरोप उनके ऊपर लगते हैं एक बार फिर से वही आरोप लग रहे हैं कि किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते क्योंकि जब सब इंस्पेक्टर पवित्रन वहां हादसे के बाद गिर गए वहां से गाड़ियां निकलती हुई दिखाई दे रही हैं ऑटो हुआ दिखाई देगा लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए रुकता नहीं है और बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में शायद देरी हुई हो यही वजह है कि उनकी जान ना बच पाई हो ऐसे में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर जब सरकार इस तरह के नियम बनाती है कि अगर आप किसी घायल की मदद करते हैं तो आ, आ, सरकार की तरफ से यहाँ पर तमाम रियायतें दी जाती है लेकिन फिर भी बावजूद इसके आखिर मदद करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता आरोप यह भी लगा कि इस तरह का हादसा पहली बार नहीं हुआ है जो टनल है उसके अंदर जल जमाव की समस्या आती है लीकेज की समस्या आती है और इस वजह से पहले भी एक बार हादसा हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हुई थी तो एक बार फिर से ऐसा आरोप लगा लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है और किसी तरह की कोई लीकेज की दिक्कत नहीं थी यानी लीकेज की वजह से जो हादसा है वो नहीं हुआ है पानी की जल जमाव की वजह से ये हादसा नहीं हुआ है लेकिन आपको बता दें कि जो टनल के मार्शल होते हैं जिनकी